पृथ्वी तो रसातल में जल में डूबी हुई थी। अब पृथ्वी को जल से निकाले कौन, और जब तक पृथ्वी निकलेगी नहीं तब तक सृष्टि होगी नहीं। ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता भई, और जब ब्रह्मा जी को चिंता हुई उसी समय ब्रह्मा जी को जोर से छींक आ गई। सतंजीवः, जोर से ब्रह्मा जी ने छींका, और जब छींका तो ब्रह्मा जी के नाक से एक जंतु प्रकट हो गया, छोटा सा अंगुष्ठ मात्र। ब्रह्मा जी सोचने लगे ये कौन है क्या है। इति मीमांससस्तस्य ब्रह्मणस्ससूनुभिः, ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ विचार करने लगे, मीमांसा करने लगे, ये कौन प्रकट हुआ मेरी नासिका से, इसके प्राकट्य में तो मेरा कोई संकल्प नहीं था। अभी तक जिसको मैंने प्रकट किया अपने संकल्प से प्रकट किया, अपने विचार से प्रकट किया, प्रकट करने का मैंने विचार किया तब लोग प्रकट हुए, ये बिना विचारे बिना सोचे छींक आई और नाक से कोई प्रकट हो गया, ये क्या है। ब्रह्मा जी मीमांसा करने लगे। इति मीमांसतस्तस्य ब्रह्मणस्सहसूनुभिः भगवान यज्ञ पुरुषो जगर जागेन्द्र सन्निभः। भगवान नारायण ही ब्रह्मा जी की नासिका से वराह के रूप में प्रकट हुए, सूकर भगवान का अवतार हो गया। बोलो श्री वराह भगवान की जय। वराह भगवान प्रकट हुए, देखते देखते वराह भगवान ने विशाल रूप धारण कर लिया। ब्रह्माणं हर्षयामास हरिस्तांश्च द्विजोत्तमान् स्वगर्जितेन ककुभ प्रतिस्वनयता विभुः। विशाल रूप वराह भगवान का प्रकट हो गया। कितना विशाल रूप, वराह पुराण के प्रारंभ में ही वराह भगवान की स्तुति करते हुए वेदव्यास जी लिखते हैं कि नमस्तस्मै वराहाय लीलयोद्धरते महीम खुरमध्यगतो यस्य मेरुः कणकणायते। वराह भगवान का जो खुर है, खुर बोले तो पैर चरण, उस चरण में जो नीचे जगह है, जैसे गाय के पैर में नीचे जगह होती है थोड़ी, कभी कभी कंकड़ अटक जाता है, उसी प्रकार वराह भगवान के चरण में जो जगह है थोड़ी सी, उस जगह में सुमेरु पर्वत भी अगर घुस जाए तो कण के समान प्रतीत हो। तो कल्पना करो वराह भगवान का स्वरूप कितना बड़ा है। खुर मध्य गतो यस्य मेरुः कणकणायते, खुर के मध्य में प्रविष्ट होने पर सुमेरु पर्वत जो सहस्त्र योजन विस्तीर्ण, हजारों योजन विस्तीर्ण सुमेरु पर्वत भी वराह भगवान के खुर में धंस जाए तो एक कण के समान प्रतीत हो। और उसमें कैसे, बोले वराह भगवान अपने पैर को ऐसे ऐसे झटकें तो उसी में खटखट बजे, निकल भी न पाओ। खुर मध्य गतो यस्य मेरुः कणकणायते, ऐसा भगवान वराह का वो दिव्य रूप प्रकट हुआ। वराह भगवान ने गर्जना की, निशम्यते घर घरितम स्वखेद क्षयिष्णु माया मयसूकरस्य, घर 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 ध्वनि की वराह भगवान ने। आपने देखा होगा ये सूकर जो प्राकृत सूकर हैं, ये भी जब बोलते हैं तो घर 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 की आवाज आती है। तो वराह भगवान ने भी जब घुरघुराहट की, निशम्यते घर घरितम स्वखेद क्षयिष्णु माया मय सूकरस्य जनस्तपस्सत्य निवासिनस्ते त्रिभि पवित्रैर् मुनयो गृणन् स्म। भगवान वराह की ध्वनि से, उनके घरघराहट से तप लोक सत्य लोक जन लोक जितने लोक थे सब पवित्र हो गए महाराज उनकी घरघराहट की ध्वनि से। और वराह भगवान सीधे ब्रह्मलोक से चल पड़े। जैसे पानी में कोई तैरता हो उस प्रकार शून्य आकाश में ब्रह्मलोक से भगवान चल पड़े, वराह भगवान आकाश में ही तैरते हुए, और सीधे भगवान रसातल में पहुंचे जहां पर पृथ्वी को जल में हिरण्याक्ष ने छिपा करके रखा था। ये हिरण्याक्ष दैत्य पिछले कल्प का है, महर्षि कश्यप का पुत्र। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को जल में छिपा करके रखा था। वराह भगवान आए और पृथ्वी को अपने दांत पर उठा लिया, लेकर के चल पड़े।
पृथ्वी को लेकर के भगवान जब चल पड़े तो हिरण्याक्ष ने देखा। हिरण्याक्ष ने कहा, है चोर के समान मेरी पृथ्वी को लेकर के कहां जा रहे हो? तो बराह भगवान ने कहा, चोर तो तुम हो, मेरी पृथ्वी को चुरा करके लाए थे, ये पृथ्वी मेरी है। हिरण्याक्ष कहता है, ये मेरी है। यही महाराज माया है भगवान, ये पृथ्वी भगवान की है। लेकिन कितने राजा महाराजा आए, सब यही कहते रहे, ये मेरी है, ये मेरी है। और जिस जिसने इसको मेरी कहा, सब इसी में मर गए, एक को नहीं बचे मारे। और ये पृथ्वी वहीं पर है, और ये किसकी है? भगवान की। और इसको धारण करने वाले कौन है? बोले भगवान। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता और त्वं च धारय माम देवी पवित्रम कुरुचासनम। पृथ्वी त्वया धृता लोका, हे पृथ्वी तुमने समस्त लोकों को धारण कर रखा है, और आपको किसने धारण कर रखा है? पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता, और आपको भगवान विष्णु ने धारण कर रखा है। ये विष्णु प्रिया है, ये भूदेवी भगवान की प्रिया है, पत्नी है। हिरण्याक्ष ने कहा, ये मेरी है। भगवान ने कहा, ये न तेरी है न मेरी है, जिसके पास बल होगा वो उसकी होगी, आओ युद्ध कर लो। क्यों? बोले वीर भोग्या वसुंधरा, ये वसुंधरा तो वीरों की भोग्या है, जो वीर होगा वो इसको प्राप्त करेगा, आओ अपनी वीरता दिखाओ और प्राप्त कर लो इस पृथ्वी को। हिरण्याक्ष ने कहा कि तुम्हारे जैसे जंगली सुअर को मैं ढूंढता ही रहता हूं। हिरण्याक्ष ने भगवान से कहा, तुम्हारे जैसे जंगली सुअर को मैं ढूंढता रहता हूं। तो भगवान ने कहा, ठीक कहा तुमने, सत्यम वयम भो वनगो चरा मृगाह, तुमने ठीक कहा, मैं तो जंगली सूकर हूं, लेकिन मैं भी तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को ढूंढता रहता हूं। ग्राम सिंह बोले तो कुत्ता, कुत्ते को ग्राम सिंह कहते हैं। क्यों? बोले वो गांव का शेर होता है, अपने गांव में वो शेर होता है, दूसरे गांव में जाए तो पूंछ दबा करके भागता है, इसलिए कुत्ते का एक नाम है ग्राम सिंह। तो उसने कहा, हिरण्याक्ष ने कहा, तुम्हारे जैसे जंगली सुअर को मैं ढूंढता रहता हूं। तो भगवान ने कहा, हम भी तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को ढूंढते रहते हैं, आओ। युष्मात् विधान मृगये ग्राम सिंहान न मृत्युपासै प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनम तव गृहणन्त्य भद्र। अरे राक्षसराज, तुम्हारे जैसे वीर केवल विकथन नहीं करते, विकथन माने अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते, डींग नहीं मारते, अपितु कुछ करके दिखाते हैं। अगर तुम्हारे अंदर ताकत है, शक्ति है, तो आओ मुझसे युद्ध करो। आ गया महाराज युद्ध करने के लिए। अब तो युद्ध हुआ, जब युद्ध हुआ तो भगवान ने एक थप्पड़ मारा उसको। तम मुष्टिभिर विनिक्नंतम वज्रसारैर अधोक्षजः करेण कर्ण मूले हन यथा त्वाष्टम मरुत्पति। करेण कर्ण मूले हन, अपने कर से, हाथ से भगवान ने उसके कर्ण मूल पर, कनपटे पर एक थप्पड़ मारा, तड़ाक। ऐसा जोरदार तमाचा मारा ठाकुर जी ने कि उसका सिर कट करके धड़ से अलग हो गया। मारा स आहतो विश्वजिता ह्यवज्ञया परिभ्रमत गात्र उदस्तलोचन विशीर्ण बाहवंग्र शिरोरुहो पतत यथा नगेन्द्रो लिलितो नभस्वता। एक ही थप्पड़ में, एक ही करारविंद का प्रसाद देते ही उसका कल्याण हो गया हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष का भगवान ने वध कर दिया। पृथ्वी को लेकर के भगवान आए और भगवान ने पृथ्वी देवी को जल के ऊपर स्थापित कर दिया। देवताओं ने वराह भगवान की स्तुति की। देवताओं ने वराह भगवान की स्तुति करते हुए कहा, नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंतवे स्थितौ गृहीता मलसत्वमूर्तये। हे भगवान, आप यज्ञ पुरुष हैं, आप यज्ञ वराह हैं, और
आपके द्वारा ही यज्ञ का विस्तार होगा। यज्ञ कहां होता है? बोले यज्ञ पृथ्वी पर होता है। अगर पृथ्वी ही नहीं रहती तो लोग यज्ञ कहां करते? स्वर्ग में यज्ञ नहीं होता, अन्य लोकों में यज्ञ नहीं होता। क्यों? बोले कर्म भूमि तो पृथ्वी है, यहीं पर कर्म करने का फल मिलता है। और यज्ञ तब होगा जब पृथ्वी सुरक्षित होगी, और इसको सुरक्षित करने वाले वराह भगवान हैं, इसलिए वराह भगवान का नाम है यज्ञ वराह। ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने यज्ञ वराह भगवान की स्तुति की और स्तुति करके प्रणाम किया। वराह भगवान अंतर्धान हो गए। वराह भगवान ने पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित कर दिया और पृथ्वी के अंदर आधार शक्ति की भगवान ने प्रतिष्ठा कर दी। आधार शक्ति क्या है? बोले आधार शक्ति वो भगवान की संकल्प शक्ति है, जिस शक्ति से पृथ्वी के सारे परमाणु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये पृथ्वी क्या है? बोले अनंत अनंत मिट्टी के कणों का जो संयोग है वही तो पृथ्वी है। कोई पृथ्वी कोई एक तत्व थोड़ी है। इस पृथ्वी को अगर आप तोड़ते चले जाओ तो एक टुकड़ा करो, चार टुकड़ा करो, आठ टुकड़ा करो, सोलह टुकड़े करो, करते 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 अंत में ये पृथ्वी कण कण के रूप में हो जाए। अंतिम कण जो होगा वो नहीं टूटेगा, उसी को कहते हैं परमाणु। परमाणु नित्य होते हैं। आज लोग कहते हैं परमाणु का सिद्धांत विदेशी वैज्ञानिकों ने खोजा, लेकिन परमाणु का सिद्धांत तो हमारा सनातन सिद्धांत है। न्याय शास्त्र में महर्षि कणाद ने, महर्षि गौतम ने परमाणु की चर्चा की है, और पृथ्वी के विषय में जब वर्णन आया न्याय शास्त्र में तो कहा गया है कि तत्र गंधवती पृथ्वी। ये पृथ्वी कैसी है? बोले गंधवती, इसका गुण गंध है। ये जो हम सूंघते हैं, जितनी भी गंध दुनिया में है, चाहे वो दुर्गंध हो चाहे सुगंध हो, सब गंध पृथ्वी का ही अंश है। ये पृथ्वी का गुण है। वायु में कोई गंध नहीं होती, जल में कोई गंध नहीं होती, अग्नि में कोई गंध नहीं है, आकाश में कोई गंध नहीं है। गंध तत्व केवल पृथ्वी में है। हाँ, पृथ्वी के संबंध से वो गंध तत्व जब वायु में मिल जाता है तो वायु भी सुगंधित हो जाती है। लोग कहते हैं बड़ी सुगंधित वायु आ रही। बोले वायु सुगंधित नहीं है, वो गंध पृथ्वी का है। पानी में सुगंध आती, बोले वो पानी में जो सुगंध आई वो पृथ्वी का अंश है। तत्र गंधवती पृथ्वी सात्विधा, वो पृथ्वी भी दो रूप में है। कौन कौन? बोले नित्या नित्याच, नित्य और अनित्य। अनित्य पृथ्वी क्या है? बोले ये जो हम देख रहे हैं ये अनित्य पृथ्वी है। और नित्य पृथ्वी कौन है? बोले सा नित्या परमाणु रूपा, परमाणु रूपी जो पृथ्वी है वो नित्य है। क्यों? बोले परमाणु का तो नाश होता नहीं, और वो पृथ्वी के जो नित्य परमाणु है वही नित्य परमाणु जब आपस में सटे रहते हैं तो ये कार्य रूप पृथ्वी दिखाई पड़ती है, जिस पृथ्वी के ऊपर हम लोग रेलगाड़ी चला रहे हैं, मशीनें चला रहे हैं, घर बना रहे हैं, रह रहे हैं, खेती कर रहे हैं। तो ये कार्य रूप पृथ्वी जो दिख रही है इसके पीछे कारण क्या है? बोले परमाणु रूप पृथ्वी। लेकिन वो परमाणु रूप पृथ्वी कार्य रूप में कैसे परिणत हुई? बोले सारे परमाणु जब आपस में जुड़ गए। अब इसको जोड़ा किसने? एक परमाणु को दूसरे परमाणु से जोड़ा किसने? बोले ये काम भगवान ने किया है, यही आधार शक्ति है। भगवान की संकल्प से वो आधार शक्ति के कारण ही पृथ्वी के सारे परमाणु एक दूसरे में जुड़े हुए हैं, तभी इस पे सृष्टि संभव है। अन्यथा ये परमाणु के रूप में पृथ्वी बिखर जाए तो सारी सृष्टि खत्म। और विचार करो, वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी पर तीन हिस्सा पानी है और एक हिस्सा जमीन है। तीन हिस्सा पानी, एक हिस्सा जमीन, और पृथ्वी के अंदर भी पानी है। लेकिन इतना पानी होने के बाद भी आज तक पृथ्वी गली नहीं। तीन हिस्सा पानी हो और एक हिस्सा पृथ्वी हो, अगर इसका प्रयोग करके आप देखो कि किसी बर्तन में तीन हिस्सा पानी डाल दो, एक हिस्सा मिट्टी डाल दो, क्या होगा? बोले सब मिट्टी घुल करके पानी बन जाए। तीन हिस्सा पानी इस पृथ्वी पर है,
और एक हिस्सा पृथ्वी है, लेकिन आज तक पृथ्वी गली नहीं, आज तक पृथ्वी सड़ी नहीं, घुली नहीं, और इस पे अनंत अनंत सृष्टि चल रही। क्यों? बोले उन परमाणुओं को भगवान ने अपनी शक्ति के द्वारा, अपने संकल्प शक्ति के द्वारा जोड़ रखा है, इसी को कहते हैं आधार शक्ति। भगवान ने आधार शक्ति की प्रतिष्ठा कर दी, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। फिर पृथ्वी के ऊपर मनु और शत्रुपा जी ने सृष्टि का विस्तार किया है। कैसे किया? बोले गंगा और जमुना नदी के मध्य का जो भूभाग ब्रह्मावर्त, उस ब्रह्मावर्त में श्री मनु जी महाराज ने अपनी राजधानी बनाई और वहीं पर निवास करने लगे। मनु जी महाराज की 5 संतानें हुई, 2 पुत्र और 3 कन्याएं। 2 पुत्र हुए महाराज उत्तानपाद और प्रियव्रत, ये 2 पुत्र हुए। और 3 कन्याएं हुई, देवहूति, आकूति और प्रसूति। ये 5 संतान मनुजी महाराज की। अब इन 5 संतानों से सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, इनका विवाह किससे किससे हुआ, ये चरित्र श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे। मनु जी के वंश का वर्णन सुना रहे। वे महाराज भागवत की कथा में तो तत्व का ज्ञान और भगवान की कथा की प्रधानता है, ये वंश का वर्णन सुखदेव जी कर रहे हैं। बोले इसलिए वंश का वर्णन कर रहे हैं कि इसी वंश में भगवान का प्राकट्य होने वाला है। मनु जी का वंश इतना पवित्र वंश है कि मनु जी की बेटियों के घर में भगवान पुत्र बनकर के आए, भगवान इनके दोहता बनकर के आए, दोहित्र बनकर के आए, और इनके बेटों के घर में भी भगवान का अवतार हुआ आगे चल करके। ऐसा पवित्र वंश है, इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज मनु जी के वंश का वर्णन करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, मनु जी महाराज की जो बेटी देवहूति, उनका विवाह करदम महर्षि के साथ हुआ और देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल के रूप में प्रकट हुए, कपिल भगवान का अवतार हुआ। ये कथा श्री विदुर जी महाराज को मैत्रेय जी सुना रहे हैं और परीक्षित को सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं और शौनकादि महर्षियों को श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य में सुना रहे हैं। कथा एक ही है लेकिन 3 जगह चल रही है। एक ही बात जब अनेक जगह कही जा रही हो और सुनी जा रही हो, इसका मतलब है कि वो बात बहुत महत्वपूर्ण है। अनेक जगह पर एक ही विषय की चर्चा हो रही हो, इसका मतलब वो विषय महत्वपूर्ण है। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, विदुर, प्रजा सृजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्याम तपस्तेपे सहस्राणाम समादश। ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न होने वाले एक प्रजापति जिनका नाम कर्दम, महर्षि कर्दम, ये ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए, ये भी प्रजापति हैं। तो श्री कर्दम जी महाराज ने सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्ष तक तप किया। किस लिए तप किया? भगवान मिल जाए। बोले भगवान मिल जाए इसलिए तो तप किया, लेकिन भगवान क्यों मिल जाए? बोले भगवान मिल जाए तो मैं भगवान से कहूं कि आप मेरा ब्याह करा दो। शादी करने के लिए, ब्याह करने के लिए महर्षि कर्दम ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, भगवान को प्रसन्न किया। यह भी संकेत है कि ब्याह करने के पहले तप करो, इसीलिए विवाह के पहले ब्रह्मचर्य व्रत तपस्या का स्वरूप बताया गया। विवाह के पूर्व जो तप कर लेता है उसका गृहस्थ जीवन आनंदमय होता है। विवाह के पूर्व जिसने त्याग और तप अपने जीवन में किया, उसी के गृहस्थ जीवन में भगवान आएंगे, भगवान की भक्ति आएगी। और विवाह के पहले जिसने तप नहीं किया, विवाह के पहले ही जिसने संसार को समझने की चेष्टा की, उसका गृहस्थ जीवन नरकमय हो जाता है, उसका गृहस्थ जीवन सुखमय नहीं होता।
महर्षि करदम ने विवाह के पूर्व 10,000 वर्ष तक तप किया। प्रजा सृजेति भगवान करदमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्याम तपस्तेपे सहस्राणाम समादश। 10,000 वर्ष तक तप किया। इनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान प्रकट हो गए। दर्शयामास तम क्षत्तस्ताब्दम ब्रह्म ददद् वपुः। भगवान प्रकट हुए। भगवान को देखकर श्री करदम महर्षि ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। स्तुति करते हुए करदम महर्षि ने कहा कि तम त्वानुभूत्योपरतिक्रियार्थम स्वमायया वर्तित लोकतंत्रम नमाम्यभीक्ष्णम नमनीय पाद सरोजमल्पीयसि कामवर्षम। हे प्रभो, आपके चरण कमल में मैं प्रणाम करता हूं। आप अपनी माया के द्वारा वर्तित लोकतंत्रम अनेक लोकों को आपने प्रकट कर रखा है, ये सब आपकी माया है और आप अपने भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। मेरी भी कामना को आप पूर्ण करेंगे। ऐसा कहकर के भगवान के चरणों में करदम महर्षि ने प्रणाम किया। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, तो भगवान ने पहले ही कह दिया कि विदित्वा तव चैत्यम मे पुरैव समयोजितत्। तुम्हारे चित्त के भाव को मैं पहले ही जान गया, इसलिए मैंने पहले ही योजना बना दी है। करदम महर्षि ने कहा क्या योजना आपने बनाई? भगवान ने कहा ब्याह करना चाहते हो, विवाह करना चाहते हो आप, और मैंने व्यवस्था कर दी है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप यहीं अपने आश्रम में निश्चिंत होकर के बैठिए। बस एक दिन बीतने के बाद परसों श्री मनु जी महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आएंगे और विवाह का प्रस्ताव करेंगे। आप स्वीकार कर लेना, घर बैठे ब्याह हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इतना कह करके भगवान चलने लगे। चलते चलते भगवान ने कहा कि धर्म पूर्वक अपने गृहस्थ जीवन को व्यतीत करना और मैं आपका पुत्र बनकर के आऊंगा। भगवान ने पहले ही करदम महर्षि को बता दिया कि मैं आपका पुत्र बनकर के आऊंगा। देखो, भगवान भी संसार में अवतार लेते हैं तो किसी गृहस्थ के घर में ही अवतार लेते हैं। सन्यासी के यहां भगवान अवतार नहीं लेते। क्यों बोले? सन्यासी बेटा बेटी थोड़ी होता है। किसी ब्रह्मचारी के यहां भी भगवान अवतार नहीं लेते। किसी वानप्रस्थी के घर भगवान का अवतार नहीं होता। भगवान जब अवतार लेते हैं तो किसी गृहस्थ के घर में लेते। लेकिन कब? बोले जब गृहस्थ का जीवन इतना पवित्र और दिव्य होगा तब। इसीलिए सारे नियम कानून गृहस्थों के लिए ही हैं। लोग कहते हैं महाराज हम तो घर गृहस्थी हैं, हम लोग इतना नियम कैसे पालन कर पाएंगे, हमारे लिए तो छूट होनी चाहिए। बोले कोई छूट नहीं है, बाकी सबके लिए छूट है। सारे जितने शास्त्र के नियम हैं सब गृहस्थ पर ही लागू होते हैं। ब्रह्मचारी के लिए क्या नियम है? बोले एक नियम है, केवल ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे और पढ़ाई करे, तीसरा कोई कर्तव्य नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं उसके ऊपर। सन्यासी के लिए भी यही है, सन्यासी केवल ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ईश्वर का भजन करे और कोई जिम्मेदारी नहीं। संसार को सुधारने की भी जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं। लिखा है ज्यादा शास्त्र का चिंतन भी मत करो, दुनिया के प्रपंच में भी मत पड़ो, दुनिया को सुधारने के चक्कर में भी मत करो, आत्मकल्याण करो। सन्यासी के लिए भी कोई लायबिलिटी नहीं। ये अलग बात है कि सन्यासी महात्मा करुणा करके संसार को उपदेश करते हैं, लेकिन ये उपदेश करें कोई अनिवार्यता नहीं। वानप्रस्थी के लिए भी कोई नियम नहीं। ये सारा नियम सृष्टि को व्यवस्थित रखने का गृहस्थों के लिए। जितने काम है, यज्ञ करना गृहस्थ का काम, पितरों का श्राद्ध करना, तर्पण करना, पिंडदान करना, ये सब गृहस्थों के लिए। सन्यासी किसी को पिंडदान नहीं करता। क्यों? बोले वो अपना भी पिंडदान कर चुका है, दूसरे के लिए करने नहीं। भाई सन्यास जब लेते हैं तो अपना भी पिंडदान कर देते हैं, अब अपने लिए भी नहीं करना, दूसरे के लिए क्या करना। तो सारे धर्म गृहस्थ के लिए ही। गृहस्थ का जीवन बहुत तपोमय जीवन है, इसलिए ये नियम है कि सब गृहस्थ से ही पैदा होंगे। सन्यासी भी कहां पैदा होगा,
किसी गृहस्थ के घर ही तो पैदा होगा, सन्यासी के यहां तो सन्यासी होते नहीं। ब्रह्मचारी भी कहां पैदा होगा, बोले गृहस्थ के घर में पैदा। इसलिए धन्यो गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम धन्य है। इसलिए गृहस्थ के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सारे आश्रमों को वो पैदा करेगा। और सारे आश्रम को गृहस्थ पैदा ही नहीं करता अपितु उसका पोषण भी करता है। सन्यासी भिक्षा मांगने किसके पास जाएगा, सन्यासी के पास? सन्यासी सन्यासी को क्या देगा, सन्यासी भी भीख मांगने जाएगा तो गृहस्थ के पास जाएगा। ब्रह्मचारी को भी कोई आवश्यकता होगी तो किसके पास जाएगा, गृहस्थ के पास जाएगा। वानप्रस्थी भी जाएगा तो किसके पास जाएगा, गृहस्थ के पास जाएगा। ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ सन्यास तीनों आश्रमों का पोषण करने वाला गृहस्थ, तीनों आश्रमों को पैदा करने वाला गृहस्थ, सारे धर्म कर्मों को करने की जिम्मेदारी किसकी, बोले गृहस्थ। गृहस्थ की जिम्मेदारियां बहुत बड़ी। और जब गृहस्थ जीवन तपोमय होगा, पवित्र होगा, तभी उस गृहस्थ के घर में भगवान अवतरित होंगे, संत आएंगे, महापुरुष आएंगे। क्यों, बोले गृहस्थ वो खेत है जिस खेती में संत महात्मा भगवान महापुरुष प्रकट होते। और खेती बढ़िया नहीं होगी, खेत बंजर हो जाए, खेत में पानी न पड़े, खेत की सफाई न हो, तो खेत में पैदावार बंद हो जाएगी। इसलिए खेत को पवित्र और व्यवस्थित बनाए रखना चाहिए। एक बार किसी व्यक्ति ने, बहुत पहले की घटना है, केवल प्रेरणा के लिए मैं कह रहा हूं, इसका तात्पर्य आप अन्यथा नहीं समझेंगे। श्री कर्पात्री स्वामी जी का नाम आप लोगों ने सुना है, परम उद्भट विद्वान, साक्षात भगवान शंकर के अवतार थे, अभिनव शंकर, वंदे हरिहरानंदम करपात्रम जगत गुरु। श्री कर्पात्री स्वामी जी महाराज के पास कोई व्यक्ति आया और उसने कहा, महाराज आपके यहां सन्यासियों में ऐसे ऐसे महात्मा हैं, ऐ अमुक सन्यासी ऐसे, अमुक सन्यासी ऐसे, सन्यासी लोग ऐसे हैं। तो करपात्री स्वामी जी ने कहा, अब ये सन्यासी लोग ऐसे हैं तो मैं क्या करूं, इनका दोष नहीं है, दोष आपका है। उस गृहस्थ ने कहा, बदमाशी सन्यासी करें और दोष गृहस्थ का? तो करपात्री स्वामी जी ने कहा कि भाई सन्यासी के यहां तो सन्यासी पैदा नहीं होता, ये जितने सन्यासी बने हैं सब पहले गृहस्थ से ही तो आए, तो आपने उनको जो संस्कार दिया है वही संस्कार लेकर के यहां आए, इसीलिए यहां भी आकर के वही काम कर रहे हैं। तो ये सन्यासी का दोष नहीं, उस गृहस्थ का दोष है जिस गृहस्थी में रह करके उसको संस्कार नहीं मिला। भाई सन्यासी के यहां सन्यासी थोड़ी पैदा होते, वही कोई सन्यासी बनता है तो गृहस्थ जीवन से ही आता है। अगर वहां से वो अच्छे संस्कार लेकर के आया तो सन्यास आश्रम में भी रह करके वो अच्छे संस्कार में रहेगा, और वहीं से उसका संस्कार अगर बिगड़ा हुआ है तो यहां उसको कौन सुधार पाएगा। बात बहुत ही प्रामाणिक है, कहने का भाव कि गृहस्थ जीवन पवित्र और तपोमय होता है तब उस गृहस्थ के घर में भगवान प्रकट होते, महापुरुष प्रकट होते। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज जो वैश्वानर अग्नि के अवतार माने जाते हैं, जिनके द्वारा श्रीनाथ जी प्रकट हुए हैं, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के कुल में इनके पूर्वजों को भगवान ने वचन दिया था कि जब तुम्हारे कुल में, तुम्हारे वंश में 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो, 100 सोम यज्ञ पूर्ण हो जाएगा, 100 सोम यज्ञ तुम्हारे वंश में पूर्ण हो जाएगा तो तुम्हारे कुल में मैं अपने अंश से अवतार लूंगा। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के पिता श्री लक्ष्मण भट्ट सोमयाजी थे, अंतिम सौवां यज्ञ लक्ष्मण भट्ट जी के द्वारा जब संपन्न हुआ तब लक्ष्मण भट्ट जी की पत्नी इल्लम्मा गारू के गर्भ में श्री वल्लभाचार्य जी महाराज आए, जिन्होंने पुष्टि मार्ग को प्रकट किया और संसार को भक्ति का मार्ग बताया। तो गृहस्थ जीवन में रह करके यज्ञ तप साधन ये सब कुछ होता रहेगा तभी महापुरुष प्रकट होंगे, तभी भगवान का अवतार होगा। भगवान ने कहा कर्दम महर्षि से कि मैं आपका पुत्र बनकर के प्रकट होऊंगा, इतना वचन देकर के भगवान अंतर्धान हो गए, भगवान विदा हुए। कैसे विदा हुए, श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं
कि निरीक्षितस्तस्य ययावशेष सिद्धेश्वराभिष्टुत सिद्धमार्गः। करदम जी के देखते देखते भगवान अपने गरुण पर बैठे और चल पड़े। श्री गरुण जी महाराज जब भगवान को लेकर के उड़े तो गरुण जी के पंख से